नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं जीएस मल्टीक्रॉप साइड टोकरी विथ एलिवेटर मॉडल में ये विभिन्न फसलों की जो सेटिंग है वो कैसे बनाई जाती है। अभी जो वर्तमान में सेटिंग है, हमारे पंजाब मलोट से मिस्त्री आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि धान चना मूँग उड़दा और सोयाबीन और मक्का इसमें किस प्रकार से सेटिंग चलेगी और हमारे किसान भाइयों को ये आपकी जो बात है वो कैसे मददगार होगी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हमारे कस्टमर आए हुए हैं और ये थ्रेसर की डिलीवरी हो रही है, तो आप ये बताइए कि अभी मक्के की फसल में कैसे चलाएंगे इसको, किस प्रकार से छन्नी बदलेंगे, थोड़ा पूरा सिस्टम बताइए। ये छन्नी है जो आपको 16 नंबर चलेगी, 16 नंबर छलनी। हाँ हाँ हाँ। और जो सोयाबीन है हाँ। उसके 14 नंबर जल चलेगी। अच्छा अच्छा। और जो गेहूँ की है वो 12 नंबर चलती है। अच्छा अच्छा। और 1 नंबर फसल निकलती है, सोयाबीन हाँ। निकालो, चना निकालो हाँ। और मटर निकालो। अच्छा अच्छा। और धान निकालो, 1 नंबर धान निकालता है हाँ। और गेहूँ भी 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। ये बढ़िया थ्रेसर है, साइड टोकरी मॉडल है, इसमें यहाँ से जाली का सिस्टम बताइए कैसे बदली होती है। सबसे पहले नीचे वाली जाली बताइए जी। ये छलनी है ना जो हाँ। ये 3 बोल्ट खोलो, 3 बोल्ट अच्छा, खोलने से ये कब्जा लगा है, कब्जा नीचे हो जाएगा हाँ। और रामदारी से जल निकलेगी। अच्छा, और रामदारी से डल जाएगी हाँ, हाँ। और आगे भी बताइए, ये भी 5 मिनट का काम है इस छन्नी को, झूले की छन्नी को। 5 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट का काम है सारी। 1 मिनट का, 1 मिनट वो 2 बोल्ट खोलो हाँ, हाँ। उसमें कब्जा लगा है वो नीचे करो हाँ। ये बताइए जहाँ से पलारी पैरा फेंकता है, इसमें एक चोक जाली लगी हुई है, उसको क्या करना है और कौन सी फसल में ये काम करेगी, कौन सी फसल में बंद करना है और किस फसल में उसको निकालना है। आप सोयाबीन में ये निकालना पड़ेगा। अच्छा। और मक्का में निकालना पड़ेगा हाँ। और गेहूं में बंद करना पड़ेगा इसको, गेहूं में तो ये पूरा बंद हो जाएगा, गेहूं में पूरा बंद हो जाएगा। ये अंदर वाली को क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली जो नीचे जाल लगी है वो भी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा। अंदर वाली भी। और धान में? और धान में खोलनी पड़ेगी, खोलना पड़ेगा। हां, धान में खोलनी पड़ेगी। उसका क्या उपयोग है, मतलब उपयोग ये बताइए कि ये किस लिए है, इसमें दाना नीचे चला जाता है, यदि दाना ऊपर आ रहा है तो वो नीचे चला जाता है हाँ हाँ हाँ, यानी दाना नहीं आगे जाएगा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल साफ निकलेगा, एक भी दाना नहीं आगे जाएगा। अभी ये मक्के की सेटिंग में जा रही तो ये लगे हैं, इसमें स्ट्रेट पे चलाना पड़ेगा कि ये प्लेट हटाना पड़ेगी। ये प्लेट दो निकलेगी, आमने सामने वाली, आमने सामने वाली, आमने सामने निकलेगी। 4 प्लेट लगी है, 2 हटा देंगे, 4 लगी है, 2 निकालनी पड़ेगी, 2 चलेगी। चांदा का बताइए, पूरा चांदा किस टाइप से अलग करना पड़ेगा, कैसा चांदा? आधा टाइप निकालना पड़ता है। अच्छा। और गेहूँ में पूरा लगता है हाँ। और चना में निकालना पड़ता है, और सोयाबीन निकालना पड़ता है। देखो, गीली फसल में आधा अलग करना पड़ेगा, गीली फसल पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा पूरा निकालना पड़ेगा हाँ। और जब गेहूँ खाली मक्का में, खाली मक्का में निकालना पड़ता है आधा हाँ, आधा लगा रहता है। अच्छा, चौथाई भाग मक्के में रहेगा हाँ, मक्का में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बोल्ट का सिस्टम बताइए ड्रम का, ये ड्रम खुला हुआ है, देखो हम किसान भाइयों आपको बताते हैं, और इससे ये गरारी से आपकी टोकरी ऊपर नीचे हो जाएगी। ये टोकरी लगी है, ये टोकरी लगी है हाँ। ये टोकरी से आप जब नीचे करो ना हाँ। तो बेल्ट लग जाएगी। अच्छा अच्छा। बेल्ट करोगे तो चल होगा, माल आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और माल जब ये ऊपर उठाना है, कहीं रास्ते में जाना है हाँ। तो ये ऊपर उठा दो और बेल्ट नीचे उतार दो। चलो ऊपर जाके बोल्ट का सिस्टम बताइए, कौन सी लाइन में कितना बोल्ट रहेगा, कितना कटर रहेगा। देखो भाई, बोल्ट लगे ना, बोल्ट लग गया और कट भी लग गया। अच्छा। अभी कटर निकले हुए हाँ। जब आपने गेहूँ निकालना है तो हाँ। कटर पूरे लगे, पूरे बोल्ट ऊपर आएंगे। अच्छा अच्छा। जब आपने मक्का निकालना है हाँ। कुछ बोल्ट निकालने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो मक्का निकले साफ 1 नंबर हाँ, हाँ। और सोयाबीन निकालने पड़ते हैं हाँ। और चना में निकालने पड़ते हैं। अच्छा। उड़दा में निकालने पड़ते हैं हाँ। और मूंग में निकालने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। ये गेहूँ में ये चांदा लग जाएगा। अच्छा। और फसलों में चांदा निकालना पड़ता है, इसमें चांदा निकालना पड़ता है, गेहूँ में, चना में, मटर में। तलवार का सिस्टम बताइए, किस फसल में पूरी लगी रहेंगी, किस में? ये तलवार लगी रहेगी, तलवार लगी रहेगी, A to Z फसल में, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो एक आधी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, वो कौन सी फसल में निकालेंगे, वो कौन सी फसल में निकालेंगे? वो फसल निकालने खाली चना में निकालनी पड़ेगी, एक तलवार, एक ही तलवार निकालना पड़ेगी चने में। ये जो तीसरे वाली है, तीसरे वाले हाँ, तीसरे तलवार निकालनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तीसरी हाँ। तीसरी निकालनी पड़ेगी, वो बड़े व्हील तरफ से तीसरे नंबर की निकालना पड़ेगी, मतलब सामने से 3 नंबर की, 3 नंबर की हाँ हाँ हाँ। अभी इसको हम बंद, ये फसल जो भी निकालोगे आप 1 नंबर मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बोल्ट ऊपर नीचे
कितने कितने करना रहता है मक्के में? जैसे उंगली होती है पाँच जी, ये पैसे निकालना बस जितना निकला है। अच्छा अच्छा, ये कौन कौन से बोल्ट निकाले हैं आपने? जैसे शुरू में बोल्ट निकला स्टार्टर, हाँ उधर से पहला एक निकला है, और दूसरी लाइन का निकला दूसरा बोल्ट जी, और तीसरी लाइन का निकला तीसरा बोल्ट, और हाँ चौथी लाइन का चौथा बोल्ट निकलेगा, और पाँचवीं लाइन का पाँचवा निकलेगा। यानी एक लाइन में बोल्ट पहले निकालना, फिर दूसरा निकालना, तीसरा निकालना, फिर दूसरी लाइन में आ जाओ, फिर दूसरी लाइन में दूसरा, फिर तीसरी लाइन तीसरा, यानी एक लाइन में दो दो बोल्ट निकलते हैं। ये अभी मक्के की जाली डली हुई है? हाँ मक्का की जाली डली है, जो भी फसल निकालनी है उसका जाल डलता है, नीचे वाला ऊपर वाला, और फिर आपको फसल। भैया ये फेंट लगा है, इसको नीचे करोगे तो ये सब फसल साफ निकलेगी। अगर मान लो अगर गेहूँ चाहे दान फेंक रहा गई तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो, ये दोनों में दो तीन दिन जुड़ी ऊपर कर लो, अगर फसल नहीं साफ आ रही तो नीचे कर दो। और आगे लो, ये प्लेट कब काम आती है? ये प्लेट आती है मान लो तुम्हारे कचरा ज़्यादा कचरा तो नीचे कर दो। अच्छा। अगर कचरा नहीं आ रहा तो ऊपर कर दो। अच्छा। और इसमें माल निकलता है तो माल उधर चलता रहता है, वो नीचे रहता है। और भूसा बारीक करने के लिए क्या सिस्टम? भूसा बारीक करने के लिए इसका जो अंदर की गर्ल है वो बदलनी पड़ती है, भूसा बारीक मिलेगा, जैसे लड्डू बांट लो भूसा का, इतना निकलता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।